बाबा आप लोग आगे पढ़ते हैं, बोलो तो पता नहीं कैसे ऐसे हो जाता है। डिस्कनेक्ट करो। चार्ज है ना जी। चलो बाबू साउंड जा रहा है। बाबू अभिनय प्रकाश। यस सर। लेकिन मेरे पास तो मुझे ब्लूटूथ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट। चलिए आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? नेक्स्ट पढ़ेंगे ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय बाबू कन्वेक्स मिरर ठीक है सर। ठीक है तो देखो बाबू क्या है कि जो यूजेज ऑफ जो कंटेंट मिरर बाबू उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ठीक है ना। स्टूडेंट वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा ठीक है ना। यूजेज ऑफ कंटेंट मिरर का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसका वीडियो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, वहां से उसको देख लीजिएगा है ना, देख लीजिएगा समझ लीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे वो इमेज कॉन्केव का मेरा फिनिश हो गया है ना। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स चलिए अच्छी बात है ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय बाबू कॉन्वेक्स मिरर है ना। सर कनकेव मिरर का उल्टा होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय बाबू कन्वेक्स मिरर। तो जब भी इमेज फॉर्मेशन रहेगा बाबू ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन रहेगा तो वहां पे आपको बताया था बाबू, बताया थे कि ये याद करके आइएगा, रूल याद करके आएगा ठीक है ना। रूल रूल करके आएगा वो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा है ना। ठीक है तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर है ना। तो इसमें दुइये को इमेज बनेगा, सोचो ना कन्केव मिरर में कैसे इतना सारे छह केस हो रहे थे ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर में छह केस हो रहे थे लेकिन कन्वेक्स मिरर में बाबू दुइये कैसे होगा ठीक है ना, दुइये कैसे होगा कन्केव मिरर है ना। ठीक है तो पहला जो केस बनेगा बाबू, फर्स्ट केस नंबर जो फर्स्ट बनेगा ठीक है ना, फर्स्ट बनेगा बाबू ठीक है ना। क्या बनेगा सर? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बाबू एट इनफिनिट, जैसे वहां जो फर्स्ट केस लिया बाबू यहां भी वही लेंगे है ना। व्हेन द बाबू, व्हेन द बाबू ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, एट बाबू इनफिनिटी मतलब क्या सर? मतलब सर इन्फिनिटी पे रखेंगे ठीक है ना, इन्फिनिटी पे रखेंगे मतलब आपके नानी घर इतना तो रखते हैं ना, नानी घर इतना तो रखते हैं। और उसके बाद सर अनलिमिटेड, उसका इमेज कैसा बन रहा है ना बाबू, उसका इमेज कैसा बन रहा है, काम नहीं कर रहा है ठीक है बाबू, कैसा उसका इमेज बन रहा है यही हम लोग देखेंगे है ना। ठीक सर। ठीक सर। सर आप जो लास्ट में आप जो कन्वेक्स मिरर लिखे हैं उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे सर बाबू केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट बाबू व्हेन द बाबू ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी मतलब पहले कन्वेक्स मिरर बना बाबू, कन्वेक्स मिरर बना, ये आपका क्या हो गया सर? कन्वेक्स मिरर हो गया है ना। चम्मच को बाबू ऐसे है ना, तो ऐसे करके देखो है ना, तो क्या कहो कन्वेक्स मिरर जी। सही से बनाना बाबू आप लोग है ना, थोड़ा सा लिखने का टाइम देंगे है ना, लिखने का टाइम देंगे ठीक है बाबू, पहले समझ लीजिए ना। समझ लो बाबू तो खुद से लिख सकते हो ठीक है ना, नहीं समझा हो रहा है तो जिंदगी भर प्रिंटिंग करते रहो वही करते रहो। एक बाबू यहाँ से क्या प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे ठीक है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बाबू है ना। तो जहां बाबू प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट करेगा, जहां कट उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोल कहेंगे। अब ये कन्वेक्स मिरर बाबू जिस गोले का पार्ट होगा, जो कन्वेक्स मिरर बाबू जिस स्फीयर का पार्ट होगा ठीक है ना बाबू, तो इसका स्फीयर किधर बनेगा?
इसका ये स्फीयर इधर बनेगा ना शैतान मेरे, इसका स्फीयर इधर बन रहा है ना बाबू, इसका जो कंप्लीट करो बाबू तो इसका जो स्फीयर बनेगा कुछ इधर बनेगा, इधर बनेगा है ना बाबू, इधर बनेगा, नहीं इधर इसका स्फीयर बनेगा है ना बाबू, ठीक है। तो जब इसका स्फीयर इधर बनेगा तो इस स्फीयर का सेंटर किधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर किधर होगा, यहाँ पे बीच में होगा कहीं, इसका क्या होगा बाबू, बीच में सेंटर होगा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे है ना, ठीक है सर। तो क्या करें बाबू, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें बाबू, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे रखें, मतलब क्या बाबू, बहुत दूर में रखें, बहुत दूर में ऑब्जेक्ट को रखें, मान लो बहुत दूर में रखो, तो बहुत दूर में रखो बाबू तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएंगे, पैरेलल आएंगे ना बाबू, ऑब्जेक्ट को बाबू बहुत दूर पे रखे हो तो रे ऑफ लाइट, मानो ना कि आपके सन है, सन क्या है बाबू, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर लो और छत पे जाके खड़ा हो जाओ, तो वहां से रे ऑफ लाइट सन से आएगा, तो सन क्या आयो बहुत दूर में, तो वहां से जो ऑफ रे जो जो भी रे ऑफ लाइट आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे कि पैरेलल आ रहा है, कैसा रहा बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो बाबू आपको रूल बताया था, ठीक है ना बाबू, कि कन्वेक्स मिरर में जब भी रे ऑफ लाइट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है ना, तो बाबू किधर रिफ्लेक्ट करेगा शैतान, ये सब सब बता चुके, इधर मेरा रे ऑफ लाइट क्या करेगा बाबू, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कनकेव मिरर में अंदर रिफ्लेक्ट करता था, ध्यान देना, कनकेव मिरर बाबू अंदर रिफ्लेक्ट करता था इधर है ना, लेकिन सर ये बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, तो इस रे ऑफ लाइट को अब थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है बाबू, ये रिफ्लेक्टेड है ना, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, ठीक है सर, यहाँ पीछे बढ़ा दिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करे बाबू उसको हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, अरे शैतान कनकेव मिरर में करते थे ना बाबू, देखो याद करो ना, ये हो गया कनकेव मिरर, हां सर, यहाँ पे पोल हो गया, ये बाबू क्या हो गया, पोल हो गया, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आया पर लाइट, ठीक है, तो यहाँ से ये अंदर इधर रिफ्लेक्ट होता था, जहाँ पे कट करता था वहाँ फोकस होता था, ये उधर जा रहा, ठीक है ना, तो इसको हम वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे, वर्चुअली क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो जहाँ पे कट करा वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस करेंगे, पहले समझ लो आराम से ना, फिर लिखने का टाइम लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको शुरू से ही बोल रहे हैं बाबू कि जब भी ऑब्जेक्ट इमेज बनाना तो कम से कम दो गो ले लेना, दो गो ले लेना है ना बाबू, दो गो ले लेना, तो एक और ले लो, तो एक सर हम नीचे से ले लेते, क्या दिक्कत है ना बाबू, यहाँ से बाबू एक ले लेते, रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, ठीक है बाबू, ठीक है सर, एक रे ऑफ लाइट ये होगा है ना, तो इस पॉइंट से बाबू इस कनके मिरर से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा है ना बाबू, रिफ्लेक्ट करेगा, इधर क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है सर, इसलिए उल्टा चम्मच पकड़ने से लाइट इधर उधर हो जाता है। अब इसको बाबू पीछे बढ़ा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बाबू इसी लाइन को, ये जो रिफ्लेक्टेड है इसी को धीरे धीरे पीछे बढ़ाना, धीरे धीरे पीछे बढ़ाना, धीरे धीरे पीछे बढ़ाना, इसी को बाबू तो ऐसे पीछे बढ़ाए सर, 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 पीछे बढ़ाए ना, तो जहाँ पे बाबू ये जहाँ पे मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे है ना, फोकस कहेंगे ना बाबू। तो देखो ये दो रे ऑफ लाइट है बाबू, इंसिडेंट हो रहा, इंसिडेंट हो रहा, इंसिडेंट हो रहा, और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चल गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चल गया, लेकिन इसको वर्चुअली अगर देख रहे हैं बाबू, वर्चुअली देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे मिला, तो इन्फिनाइट पे जो भी सूरज है बाबू, मान लो जो भी सन है, ठीक है ना, उसका कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसा बनेगा, एकदम पॉइंट जैसा बनेगा, ये बाबू क्या होगा, इमेज होगा, इमेज होगा, कैसा इमेज बनेगा, एकदम पॉइंट जैसा बनेगा, और कहाँ बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, जैसे प्लेन मिरर में होता है ना, प्लेन मिरर में आप लोग शक्ल देखते हो कि नहीं देखते हो, तो मिरर कहाँ इमेज बनता है, मिरर के अंदर बनता है, अरे शैतान देखो ना, उस दिन भी बताए थे, ठीक है ना, उस दिन भी बताए थे आप लोग को, देखो समझो पहले सर, चार गो रूल बताए थे, हाँ बाबू उस दिन, देखो ये आपका क्या बाबू, ये आपका जो शक्ल सूरत दिख रहे हो, ये आपका क्या प्लेन मिरर है ना, प्लेन जिसमें हम लोग सुबह सुबह शक्ल देखते हैं, तो देखो ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मेरा शक्ल दिखाई दे रहा है ना बाबू, है ना, यहाँ से तिरछा करते हैं, कहाँ गए हम बाद में, चलो आजा आगे, हाँ जी आगे, चलो ठीक है, अरे आप लोग अपना मिरर लेना, ठीक है ना, मिरर लेना, हम कितना समझा, तो इसमें देखना बाबू आपका शक्ल दिखाई देगा है ना, तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, मिरर के अंदर तो कुछ नहीं रहेगा, देखना कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना बाबू, तो इस इमेज को बाबू, इस इमेज को आप लोग पर्दे पे स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हो, ठीक है ना, इस इमेज को पर्दे पे नहीं उतार सकते हो स्क्रीन पे, तो ऐसे लिए इसके द्वारा जो इमेज बना बाबू कैसा बन गया, कैसा बन गया, उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे ना, इसको पीछे देखो ना जाके, कुछ है ये नहीं, कुछ है ये नहीं पीछे ना, देखना जाके ना, वर्चुअल 3D इमेज, ठीक है बाबू, मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा, लेकिन मिरर के अंदर कुछ है ये नहीं है ना, तो वैसा फेनोमिनन यही कन्वेक्स में भी बाबू ऐसा ही होता है, कन्वेक्स में भी यही फेनोमिनन होता है ना, मिरर के अंदर बनता है, लेकिन मिरर में मिरर के अंदर जाओगे तो कुछ सहबे नहीं करेगा, ठीक है ना, तो कैसे बाबू चुप रहिए ना, बहुत आप इरिटेट करते हो ना, जो डाउट है, जेन्युइन डाउट है वो पूछिए ना बाबू, तो बाबू ये मिरर के अंदर बनेंगे ना, है ना, मिरर के अंदर बनेंगे, और इस इमेज को बाबू अपर स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हो, ठीक है, नहीं उतार सकते, ये कैसा इमेज हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ठीक है बाबू, इसमें दो ये केस बनेंगे, भिन्न ऑब्जेक्ट की जाए इन्फिनिटी बाबू, तो इमेज कहाँ बनेंगे, इसमें क्या लिखें बाबू, ठीक है ना,
तो आप इसको कैसे लिखोगे? पहले बाबू क्या करना, डायग्राम बना लेना, ठीक है, और नीचे लिख लेना वो रेज आपका, लिखा देते हैं बाबू। अब आप लोग बनाइए बनाइए बाबू बनाइए इसको, फिर दूसरा कैसे बता के एंड कर देंगे। बनाइए शैतान मेरे, सुंदर से बनाइए। ये अगर नहीं बनेगा ना बाबू, तब अपने मम्मी से ये मांगना, चूड़ी मांगना, ठीक है ना, वो बैंगल जिसको कहते हैं ना, और उसको आधा कट कर देना। कट करने की जरूरत नहीं है, चूड़ी देखिए सर हम बनाए हैं, ठीक है ना, चूड़ी मांगना बाबू, और उसी को आधा क्या करना, उसके सर्किल में ऐसा बना देना, बहुत सुंदर सा बन जाएगा ना बाबू। ये हुआ इंडियन का जुगाड़, इंडियन का जुगाड़ हो गया, ठीक है ना। क्या चीज से बनाए? चलो ठीक है, ये तो हाथ से बनाया शैतान। यस सर। तो जुगाड़ अगर चाहिए बाबू तो वही मम्मी से चूड़ी मांग लेना, जो आपकी मम्मी बाली पहनती है ना, और उससे बनाइएगा बाबू, तो सुंदर सा बनेगा डायग्राम, फिर में उसी तरह से बना लेना, है ना। और नहीं तो बाबू आपके पास ये नहीं कर सकते, तो प्रोटेक्टर होगा ना शैतान, प्रोटेक्टर yes, होगा, प्रोटेक्टर है तो उससे भी कर सकते हो, है ना, उससे भी कर सकते हो प्रोटेक्टर से, क्योंकि डायग्राम जितना सुंदर फेयर में बनाओगे सर, या फिर कंपास से आधा सर्कल बना लेंगे सर, ठीक है, जितना सुंदर बनाओगे उतना क्या, जितना अच्छा से बनाओगे फेयर में उतना अच्छा लगेगा देखने में, है ना, ठीक है। अब अच्छा लगेगा तो आपके पेरेंट्स से आपके खुश हो जाएंगे, आपके फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे, क्या पढ़ता है क्या लिखता है, ठीक है बाबू। तो क्या लिखेंगे? द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, फॉर्म एंड इमेज, फॉर्म एंड इमेज बाबू, एट फोकस, फॉर्म एंड इमेज बाबू, कहां पे? एट फोकस में, ठीक है बाबू, फोकस, ठीक है बाबू, बिहाइंड द मिरर, फोकस बाबू, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बाबू, और क्या होता है बाबू, वर्चुअल और इमेज होता है, वर्चुअल एंड इमेज होता है, मतलब बाबू सीधा होता है, लिखो इतना। तो इसमें मेरे दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, क्यों सर? रिस्का शैतान, ए रिस्का शैतान, कब आई बाबू रिस्का? यस सर। कब आई बाबू? बोलेगी सर 6 बजे। हाँ आपको पता है, लेकिन आती नहीं, दिखाई नहीं देती, कहाँ आती रहती हो, तो वीडियो शेयर करके दिखाया था, जो दिखा था बाबू आपको, यस सर हम देख लिए थे। हाँ बाबू वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है ना। सतीश आप कब आए बाबू? सतीश बाबू हम भी वीडियो देख लिए थे सर, 6:10 में आ गए थे सर, आज 7 बजे का वो क्लास है। हाँ बाबू क्लास, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, बैकअप सर। हाँ बाबू जल्दी से राइट डाउन कर। तो बाबू देखो आप इसमें दो ये कैसे बनेगा, दोनों में हमको कल आप लोग, कल नहीं कल तो संडे है, कल आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। इसमें दो ये कैसे बने, कनकेव और कन्वेक्स में थोड़ा आप लोग माइंड से यूज करके देखना तो क्या अंतर है। कनकेव मीडियम बाबू 6 केस बने, टोटल 6 केस बने, लेकिन इसमें दो ही केस बनेगा। एक बाबू ऑब्जेक्ट जब क्या होगा इन्फिनिटिव पे, दूसरा केस क्या बनेगा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटिव पोल के बीच में होगा। लिख ले बाबू, इरेज कर रहे हैं, जो नहीं लिखे बाबू स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। जल्दी लिखो शैतान, इतना देर करोगे तो कैसे हो। सर हो गया, चलिए अच्छी बात है। सेकंड केस क्या होगा, वो केस नंबर 2 सर, रुक जाइए लिखना थोड़ा सा नीचे वाला, केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 क्या होगा कहता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट, when the object बाबू, when the object is kept between, when the object is बाबू kept between infinity and बाबू pole, बस यही दो को कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिखने में टाइम देंगे सर,
दिए नहीं शैतान, अब क्या लिखने का टाइम चाहिए? ठीक है बाबू, दूसरा केस क्या कर बाबू, कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा सर? ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बाबू? इन्फिनिटिव पे रखा। क्या इन्फिनिटिव? पोल के बीच में। पोल के बीच में, यही दो केस इसमें पॉसिबल है। समझिए समझिए बाबू, है ना? उसके बाद लिखने का टाइम तो देते ही है, थोड़ा काम देते तो उससे क्या मैटर है, डॉक्टर राइटिंग तो लिखना है। ठीक है बाबू, तो ये क्या आ गया बाबू, मेरा कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया, है ना बाबू? ठीक है सर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो बाबू? पोल है, ये आपका क्या बाबू? पोल है और इन्फिनिटिव है। मान लो यहाँ पे आपने क्या कैंडल रखना है, जो रखना है बाबू कैंडल रखना, जो भी रखना रख दिया, है ना बाबू? ठीक है, तो यहाँ से बाबू क्या चलेंगे? रे ऑफ लाइट चलेंगे। ये पोल हो गया और ये कहीं बहुत दूर में है ना बाबू। पहला केस क्या था? इन्फिनिटी पे है, लेकिन पोल और यहाँ पे बाबू क्या, इन्फिनाइट के बीच में, तो कहीं ना कुछ कुछ दूरी पे आएगा ना बाबू। फर्स्ट केस सीधे इन्फिनिटी पे था, पहला दूसरा केस में अंतर कर, तो सीधे इन्फिनिटी पे था। अब कहीं क्या कर बाबू? पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो कहीं बीच बीच में आएगा ना। ठीक है, ठीक है सर, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चले बाबू। ठीक है, जो पहला चल रहा है बाबू वो क्या करेंगे, यहाँ से कल के मिला में इधर क्या कर जाएंगे, ये कर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, इसको पीछे बढ़ा दो, इस रे ऑफ लाइट को पीछे बढ़ा दो, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को, जहां पे कट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो फोकस कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे लोगे सर? दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे लोगे बाबू बताओ? दूसरा रे ऑफ लाइट बाबू दो तरह से ले, अब जो चार रूल बताया ना बाबू, चार रूल बताया ना, उसी में से यूज करना। या तो एक रे ऑफ लाइट बाबू डायरेक्ट इसके पोल से पास करवाओ, तो ये इधर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कन्वेक्स मिरर में बाबू। जो चौथा बताएं कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आता सर, ऐसे आता कैसे सर, ऐसे अगर आ जाता बाबू, ऐसे आ जाता, ऐसे आ गया, है ना बाबू? ये रे ऑफ इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे बाबू क्या हो गया, इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे बाबू, इंसिडेंट हुआ। तो जब पोल पे इंसिडेंट हो रहा, तो जिस एंगल से आया, जिस एंगल से आया, उसी एंगल से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी एंगल से क्या हो जाएगा, शैतान मिरर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? उसी एंगल से क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा एंगल हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना? चलिए ठीक है बाबू, यहाँ पे कट कर दिया, तो एक रिफ्लेक्टेड रे, ये डॉटेड, ये रिफ्लेक्टेड डॉटेड है, एक दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये डॉटेड वाला, तो जहाँ पे कट करे वही उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा, है ना? तो अब ये इमेज कैसा दिख रहा है, सीधा नहीं दिख रहा बाबू, जैसे आप लोग प्लेन मिरर बनता है ना उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज कैसा बना, सीधा बना। दूसरा ये कैसा बना बाबू, छोटा है, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, इसका इमेज क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना बाबू, और कहाँ बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, तो मिरर के अंदर बन रहा है। और दूसरी तीसरी बात बाबू, ये जो रे है बाबू, रिफ्लेक्टेड रे है, रियल में कहीं कट नहीं ना कर रहा, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा चला गया, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, तो ये कहीं दूर में आगे जाके कहीं कटे नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्टेड है बाबू। वर्चुअली क्या किया, पीछे बढ़ा, वर्चुअली पीछे बढ़ा डॉटेड लाइन से, ना? ठीक है ना, तो जहाँ पे कट करो, तो ये जो इमेज बनेगा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना? तो कन्वेक्स मिरर में बाबू, कन्वेक्स मिरर में बाबू, कन्वेक्स मिरर में बाबू, हमेशा इमेज कैसा बनता, वर्चुअल बनता, और हमेशा कैसा बनता, इरेक्ट बनता। और कनकेव मिरर बाबू, इमेज पांच केस में क्या बनता, रियल बनता, जो छठा केस रहता है कनकेव मिरर का, उसमें इमेज कैसा बनता, वर्चुअल बनता, तभी तो आपको याद होना चाहिए ना बाबू। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बाबू, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या लिखेंगे शैतान, the rays बाबू after reflection, प्रकाश से समझ में आ रहा, प्रकाश से नहीं बोलेगा, नहीं आपको रिश्का समझ में आ रहा बाबू, रिश्का बाबू नहीं सुन जा रहा क्या सतीश, मेरा आवाज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर,
समझ में आता है बाबू? अरे आप ही लोग के लेवल में पढ़ना है बाबू, क्यों नहीं बात को समझ? आप पियर्सन का बुक उठाइए बाबू, आपने दिया हुआ पढ़ना ही पढ़ना, हम चाहते तो नहीं पढ़ाते लेकिन पढ़ना है तो पढ़ाना पड़ेगा ना बाबू, अब इतने अच्छे से तो बता रहे हैं, वीडियो दिखा दिखा के बताते हैं। द रेंज बाबू आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म एंड इमेज बाबू, फॉर्म एंड इमेज बिहाइंड द मिरर बाबू, ठीक है कहाँ बनता है बाबू? फॉर्म एंड इमेज बाबू बिटवीन, ये बाबू क्या है इसका फोकस हो गया सेता, कहाँ बनता है? आई इसका पोल है, बिटवीन बाबू पोल एंड फोकस, बिटवीन बाबू पोल एंड फोकस, कहाँ बनता बाबू? पोल एंड फोकस के बीच बनता बाबू, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द शैतान मेरे मिरर, जो कैसा बाबू विचिज इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, विच इज इरेक्ट एंड वर्चुअल बाबू एंड अ स्मॉल इन साइज, ये सब क्या इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू, साइज में कैसा छोटा है, a small in size, है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू इमेज का। अब ये दो जो आठ केस हुआ, अब आप लोग हमको इसमें ये थोड़ा सोच के आएगा, इसमें दो ये केस क्यों पॉसिबल हुआ और कनकेव मिरर में छह केस क्यों पॉसिबल हुआ, कन्वेक्स मिरर में बाबू दो ही केस पॉसिबल है, इसके ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और कनकेव मिरर में छह केस पॉसिबल, क्यों 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 बता सोच के आइएगा यार, क्योंकि कनकेव मिरर बाहर से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इसका फोकस क्लियर नहीं रहता। इस क्वेश्चन को जो सोच लेगा उसको ₹50 प्राइज, लेकिन आप लोग सोच लोगे तो आप तो पूछ के सोच लोगे ना, अभी आप बता दो सबसे बढ़िया, जो बता देगा अभी, चूंकि टाइम नहीं है तो आप लोग अपने पेरेंट्स से भाई से किसी से पूछ लेगा, पहले स्टॉप करते हैं, पहले वीडियो स्टॉप कर देते हैं ना भगवान।